का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शर्मा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि 24 तारीख से आपकी त्रैमासिक परीक्षा होने वाली है, तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं त्रैमासिक परीक्षा के सभी क्लासेस, मतलब कि हम इस YouTube चैनल पे 9वीं से लेकर 12वीं तक के सभी क्लासेस के जो पेपर है उन पेपर को और उनके हल सहित आपको कराने वाले हैं। तो आप अगर तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि उससे आपको नहीं पता लगेगा कि जो हमने कौन सा जो पेपर है वो रिलीज़ किया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ कक्षा जो 12वीं है उसका हिंदी का पेपर। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने इतने क्वेश्चन कर लिए तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसी यहाँ से मिलने वाले हैं। कुल मिला के 80 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, 2.5 घंटे का पेपर है। मैं क्रम वाइज से आपको क्वेश्चन करा देता हूँ। पहला क्वेश्चन है मातृभाषा किसे कहते हैं, परिभाषा लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। प्रश्न क्रमांक नंबर 8 है यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों। कोई 4 कारण आपको यहाँ पर लिखने हैं। दोस्तों जो पहले ऑब्जेक्टिव है उनको हम बाद में करा देंगे, वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये जो क्वेश्चंस हम करा रहे हैं ये ज़्यादा मार्क्स के हैं, इसलिए हम इन पर फोकस कर रहे हैं। बाजार का जादू चढ़ने उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, जूझ कहानी में आपको किस पात्र ने सबसे अधिक प्रभावित किया और क्यों, उसकी किन्हीं 4 चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। प्रश्न क्रमांक नंबर 11 है जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया। क्वेश्चन नंबर 12 है छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएँ आपको यहाँ पर लिखनी है। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक नंबर 13 की ओर, शीतलवाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। और अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स समास की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखनी है। और प्रश्न क्रमांक नंबर 15 है कविता के बहाने कविता का प्रतिभाद बताइए। तो फ्रेंड्स ये हो गए कुल मिला के आपके 15 क्वेश्चन, 6 से लेकर 15 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर करा दिए हैं। और दोस्तों विश्वास रखिएगा ये क्वेश्चन सारे के सारे आपको आपकी जो आने वाली परीक्षा है उसमें आपको मिलने वाले हैं। और दोस्तों आपको इतना ही करना है कि हमारे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है। इस वीडियो को जितना लाइक करेंगे शेयर करेंगे और स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा होगा, तो फटाफट लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में।